हेलो बच्चे हो, कैसे हो आप लोग? बेटा हम एक वीडियो आपके लिए बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कैपिलैरिटी। समझो कैपिलैरिटी क्या होता है। कैपिलैरिटी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक ट्यूब होती है जिसे हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। हम क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब। अब ये कैपिलरी ट्यूब होती क्या है, ये पहले समझ लो आप अच्छे से। इसे कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। कहा यह जाता है कैपिलरी ट्यूब वो ट्यूब होती है जो बहुत ही थिन होती है, बहुत थिन ट्यूब होती है, वेरी थिन, एकदम पतली सी ट्यूब होती है। इसे कहते हैं कैपिलरी ट्यूब, राइट? एंड हैविंग फाइन पोर्स, छोटे छोटे ना पोर्स होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं टू आउट द सर्फेस। पूरे सर्फेस पे हमें पता नहीं चलता, बहुत छोटे छोटे से थ्रू आउट द सर्फेस, पूरे सर्फेस पे बहुत छोटे छोटे से पोर होते हैं, पतली सी ट्यूब होती है। फिर क्या बोला गया? इनसाइड द ट्यूब Inside the tube, the liquid, मान लो water है liquid में, rise करता है, rises up. Also, liquid, जैसे मान लो mercury है, mercury, वो fall भी करता है, वो depend करता है, अगर viscous liquid है तो fall, non viscous है तो rise. दोनों कहानी होती है इस ट्यूब के अंदर। सुनो, इसको कैपिलरी ट्यूब का। अ ट्यूब हैविंग वेरी फाइन पोर्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं, वेरी फाइन पोर्स, एंड थिन ट्यूब होता है, पतली सी ट्यूब होती है। इस ट्यूब को अगर लिक्विड में डाल दोगे तो, अगर वाटर जैसा लिक्विड है तो उसके अंदर राइज करेगा, और मर्क्यूरी टाइप का लिक्विड है तो फॉल करेगा। दोनों केस होता है, वो डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे, मेनिस्कस के साइज पे, बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। ओके, हमें बेसिकली राइज ही पढ़ना है, फॉल नहीं पढ़ना, हमें राइज पढ़ना। तो जो राइज होगा तो उसको कहेंगे कैपिलरिटी राइज। अगर लिक्विड क्या हो गया? राइज। बहुत सारे लोग इसे ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? कैपिलरिटी एक्शन। कैपिलरिटी एक्शन भी बोलते हैं, कैपिलरिटी एक्शन, याद रखना। बहुत से तो राइज बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसे कैपिलरिटी एक्शन बोलते हैं, दोनों जानते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कैपिलरी राइज भी लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसे कैपिलरी एक्शन भी बोलते हैं, दोनों नाम से बोलते हैं, तो कभी नहीं भूलना प्लीज। अब ये है, जैसे मान लो इसके मैं कुछ एग्जांपल बताऊं, किसके एग्जांपल बताऊं? कैपिलरी राइज के कुछ एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल जैसे पहला एग्जांपल सुन लो, कैपिलरी राइज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। बोलोगे क्या एग्जांपल है सर? लो पहला एग्जांपल, राइज ऑफ वाटर इन ब्रांचेस ऑफ ट्री। हम पेड़ों में पानी डालते हैं ना, वो पानी धीरे धीरे करके पूरे ब्रांचेस में पहुंच जाता है, तो इसको भी हम राइज ही कहते हैं। तो होता क्या, ट्री का जब आप ट्री का शेल हटाओगे तो उसके अंदर ना बहुत पतली पतली सी ट्यूब टाइप की चीजें होती हैं, ऐसे से चीजें जा रही होती है, पतली पतली से, हमें दिखाई नहीं देती, और उसके अंदर छोटे छोटे बारी बारी से होल्स होते हैं, यानी दैट बिहेव एज लाइक अ वेरी थिन कैपिलरी ट्यूब। और हम जब जड़ों में पानी डालते हैं, रूट में, तो वही धीरे राइज करते हुए राइज हुआ और वो पहुंच गया सारे ब्रांचेस। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, राइज ऑफ इंक ऑन ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर का बेस्ट एग्जाम्पल है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर देखा आपने? टिश्यू जो होता है, टिश्यू, आप टिश्यू पेपर को ध्यान से देखना, वो ब्लॉटिंग पेपर होता है। टिश्यू पेपर को ऐसे देखोगे तो लगेगा बारीक बारीक से होल है, बहुत अजीब सा है, एकदम गट्स नहीं होता, एकदम सॉलिड नहीं होता, ऐसा लगता है कि आर पार दिख रहा है। आपको ध्यान से, राइज ऑफ ऑयल ऑन
टू फेड ऑफ विक। आपने देखा होगा दीपावली में, दिवाली में जो दिए जलते हैं, जो दिए जलाए जाते हैं, तो उसमें जो दिए में जो हम थ्रेड डालते हैं, उसमें हम आग लगाते हैं। थ्रेड किसमें? तेल में डूबा होता है, ऑयल में। आपने देखा है वो थ्रेड को कभी? देखा आपने ध्यान से? थ्रेड ऐसा लगता है कि बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, बहुत ऐसा नहीं, बहुत गट्स वाला सॉलिड थ्रेड होता है कि इसको आप हार्ड थ्रेड, नहीं नहीं नहीं, बहुत सॉफ्ट, ऐसा लगता है कि थ्रेड में बीच बीच में हल्का सा होल है, थ्रेड को अलग अलग कर सकते हैं। कुछ जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें लिक्विड क्या होता है, मैंने कहा ना सेपरेटराइज होने के लिए क्या होना चाहिए, वेरी फाइन पोर्स होने चाहिए, ठीक है। तो उसको जैसे ही आप डालोगे कहाँ, वॉयल के अंदर, वॉयल राइज करेगा और दिए जलते रहेंगे आप प्रॉपरली। ये सब एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ बेटा, सोकिंग, सोखना ऑफ वॉटर बाय अ टॉवल। आप देखते हो एक अच्छा टॉवल कौन सा होता है, कॉटन का टॉवल अच्छा होता है, जिस टॉवल में आपको देखने में लगता है ये टॉवल तो बहुत पतली सी है यार, इसमें तो लगता है कि छोटे छोटे होल्स हैं, कहीं पुराना तो टॉवल नहीं है, देख फेंको इसको, क्योंकि ऐसा नहीं है, उसमें छोटे छोटे बारीक बारीक से होल्स हैं, तो वो कैपिलरी राइज शो करेंगे, वो आप नहा वहा के निकलोगे, बाल बाल सुखाओगे तो पानी जल्दी सोख लेगा, राइज करेगा, लिक्विड को सोखता जाएगा, ऊपर पहुंचाता जाएगा, पूरे पानी को सोख लेगा आपके, जल्दी जल्दी, इट विल सोक वाटर एज सून एज पॉसिबल। तो ये सब सारे चीजें, ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल है किसके, कैपिलरी राइज के, फॉल नहीं पड़ना, कैपिलरी राइज पड़ना। अब सवाल उठता है कि जो कैपिलरी राइज है सर, तो जब लिक्विड राइज करता है तो कितना राइज करता है ट्यूब के अंदर से? मान लो मैंने कहा कि आपके पास एक ट्यूब है, अब इस ट्यूब में लिक्विड राइज किया, मान लो यहां से यहां तक राइज कर गया लिक्विड, तो आखिर ये कितना राइज कर गया, कितना राइज कर गया, कितनी हाइट तक गया, इस फॉर्मूले को एसेंट फॉर्मूला कहते हैं। क्वेश्चन ऑफ द फॉर्मूला विच राइज द लिक्विड, जो हमें बताता है कि लिक्विड ट्यूब में कितना राइज कर। तो इसको एक एक अलग इसकी वीडियो बनाऊंगा मैं, आज तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया कैपिलरिटी का, कैपिलरी ट्यूब का, कैपिलरी राइज का, मैं एक वीडियो बनाऊंगा बेटा, इसमें पूरी की पूरी डेरिवेशंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो वीडियो जरूर देखना। आज मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है कैपिलरिटी की, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पूरे डेरिवेशन के साथ, तब तक टेक केयर, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर लेना और लाइक जरूर कर, ओके बाय बाय।